अस्सलामुअलैकुम और वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये वाला व्लॉग गांव के अंदर हम बना रहे हैं और आज हम जा रहे हैं शिकार करने। शिकार करने के लिए हमने सारा कुछ सामान वगैरह तो तैयार कर लिया। चल निकल रहे हैं उसकी तरफ। बस यहाँ से शिकार की तरफ जाते हैं। चाचू बैठेंगे साथ और एक दो और मेरे कज़न बैठेंगे और होप्स हो शिकार मिल भी जाए। सबसे पहले हम आ गए यहाँ पे फिश फार्म में, क्योंकि यहाँ पर भी ऊपर शिकार वगैरह बैठते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई नहीं था। तो हम तो सीन ऐसा है, हम लोग आ गए हैं यहाँ पर बाहर, रास्ते के अंदर देखते हैं मगर कोई शिकार मिला नहीं है। एकदम हुए थे मगर उड़े सारे यहाँ पर फिश फार्म है, इनके अंदर आते हैं वो मछलियाँ खाने हैं, तो फिर उनको आगे से उनका शिकार करते हैं। मगर हम यहाँ से काफ़ी पीछे से भी ढूंढते आ रहे हैं मगर यहाँ पर कोई मुगरावी वगैरह कुछ भी नहीं है। गर्दन लंबी सी होती है उनकी, हमने रास्ते में मैंने दिखाई है जो वीडियो वो भी था, मगर वो बहुत बड़ी सी, पर वो तो बिल्कुल दूर से देख लेती है, गर्दन बड़ी है, दूर से नज़र आया था कि लोग आ रहे हैं तो उसी वक्त चल जाती हैं। देख रहे हैं एक चाचू जी हैं, एक चाचू जी आ रहे हैं किधर के लिए हैं, और एक चाचू यहाँ पर गाड़ी में बैठे हैं और अभी तक कोई मिली नहीं है, तो आगे दिखाते हैं। और ये इस साइड से मेरे दूसरे कज़न भी आ गए हैं, तो ये अपनी गन वगैरह लेके आ रहे हैं। लाइट सी है, ये क्या करते हैं। तो उधर से कुछ नहीं मिला, तो वो वहाँ से निकल आए हैं, तो हम अब जा रहे हैं खेतों की तरफ जहाँ पर सिंगाड़ा लगते हैं। सिंगाड़े के ऊपर आगे काफ़ी ज़्यादा मग वगैरह चीज़ें बैठती हैं, तो वहाँ पर जाते हैं। ये हमें ऊपर ही नजर आया शिकार, तो उधर ही गाड़ी खड़ी कर ऊपर जाके चाहिए। ये ना एक बंदा पीछे था और एक आगे था, तो पीछे वाले ने दो फायर किए हैं। अब देखें उसको कुछ मिला भी है कि हमें बस फायर कर दी है। एक काबू आ गई ने। सुबह का नाश्ता किया है रास्ते के अंदर, ये आलू प्याज वाला मिल गया, इससे हमने सही आलू प्याज अब खाने हैं। मैंने भी मांगे हैं, अरे दें सारे खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। पड़ो भाई दबाओ जी, ओ लेट ढूंढे ही दे, यकीन करो। ओ ना रे बात कर। तो ये हो गई है धुंध बहुत ज़्यादा, और धुंध के अंदर इतना शिकार नज़र नहीं आता। अब देखते हैं आगे जाके हमें कोई नज़र भी आता है कि नहीं आता, क्या सीन है आगे, देखें कुछ आगे क्या चक्कर बनता है। इधर हम लोग आ गए हैं, जैसे ये इनको कहते हैं सिंगाड़े, ब्लैक कलर के होते हैं छोटे छोटे, उनके ये पानी के अंदर लगते हैं, और कापियाँ वगैरह या माग वगैरह वो बैठते हैं ऊपर। तो इधर आ गए ओपन एरिया में, यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं, मगर मुझे लगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। इंतज़ाम किए हैं हमने लाइट्स वगैरह साथ, बैटरी के अंदर एक साउंड वगैरह भी हमने भरी हैं। देखें यहाँ पे गायब हो गए, एक ही आगे देखें ज़्यादा ना, पीछे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, साइड भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, फुल धुंधी धुंधी हुई है हर साइड। शुक्र है जैकेट वगैरह पहना है। आजकल ना कह रहे थे कि अगर आप शाम को आए थे ना, जब शाम को हम दूसरी तरफ थे जब मछली वाले फार्म में थे, तो उस वक्त आए थे ना, उस वक्त कह रहे हैं बहुत ज़्यादा मुर्गाबियाँ वगैरह इधर आई थी। चलो चलो साथ साथ होकर जाते रहो, ज़रा सा बंदा आगे पीछे हो गया वो तो घूम जाएगा, मिलेगा इतनी धुंध है। ये हम साउंड लगाने लगे हैं जिससे मुर्गाबियाँ वगैरह मग वगैरह इस साउंड की तरफ आते हैं, तो बस इसके साथ बैटरी होती है और आगे दो स्पीकर हैं, तो बस लगा रहे हैं।
ਚਲੋ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿੱਥੇ ਪਏ ਚਲੋ ਯਾਰ ਸਰ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੀਲ ਨਹੀਂ ਕਿਰੜ 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 ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੰਨ ਦਾ ਮੂਪਰ ਨੂੰ ਕਰ ਇਹੋ ਬੜੀ ਵਾਰ एक ऊपर से गुजरी है तो हमने फायर किया तो ये पकड़ने जा रहे हैं उसके अंदर ठंडा पानी ठंडे पानी के अंदर गया पकड़ने के पानी के अंदर गिरी है बड़ी देर हम बैठे रहे हैं मगर कोई नजर नजर नहीं आई इतनी देर बैठे रहे हैं धुंध की वजह से अब हम सुबह का सीन करेंगे सुबह आगे देखेंगे वापसी निकल रहे हैं रात दे है मंजर ने आ रहा पीछे भी पड़ा तो अब हम आ गए हैं वापसी घर में पहले दिन का थाम हो गया तो जो लेना होता तो करवा नहीं ले आके लेना अपनी ਮਾਲਟਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਮਾਲਟੇ ਖਾਣ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਉਸਕੋ ਮੁਰਗਾਬੀ ਕੋ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਕੋ ਜਲਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਪਰ ਉਤਾਰੇ ਹੈ ਫਿਰ ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਾ ਦੀਆ ਬਸ ਅਬ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਸਕੋ ਕਾਟ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇਂਗੇ ਖਲੜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ तो आज फिर डे टू स्टार्ट होता है आज हम जरा टाइम से निकले हैं उसी जगह पे जाएंगे आज धुंध भी नहीं है मगर है तो अल्लाह पे कि हमें कुछ पास मिलेगा भी कि नहीं लेट्स सी क्या सीन होता है क्या नहीं होता निकलते हैं अब घर से ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘੱਟ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਭੇਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਟੋਪੀ ਜੈਕਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦਿਕਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਕੇ ਹੋਣ ਪਾ ਦਿਕਾਏ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਬੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ ਟਿੱਬੀ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਦੇ ਟਿੱਬੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਈ ਰਹਿਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਉਹ ਕੋਣਾ ਵੀ ਮੱਲਿਆ ਹੋਏ ਇਹ ਕੋਣਾ ਵੀ ਮੱਲਿਆ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਕਾਏ ਤੇ ਕਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ वो तीन चार हमारे ऊपर से गुजर रही हैं मैं दिखाता हूँ आपको हम वहीं बैठ गए हमारी तरफ आई तो फिर ही मार सकते हैं शिकार कर सकते हैं अगर दूर से चली गई ना फिर अगर उस साइड से चली गई फिर हमारे काबू कोई नहीं है हमारे करीब आई फिर ही सीन है कुछ
नहीं आया हाथ कुछ, वो आगे चली गई, वापसी आई नहीं। हमने तो बड़ी कोशिश की है, लेट गए थे नीचे की तरफ, तो मगर कोई नहीं आई। इत तो वाकई कोई नहीं आया इस पास। बड़ा अमरूद लगा। हम ये जरा इस साइड खेतों के अंदर आ गए हैं, ये हमारे जानने वाले के अमरूद लगे हैं। हमने कहा भूख तो लगी लगी है, बड़े अमरूद ही तोड़ के ले गया था। माशाल्लाह बहुत ज्यादा अमरूद लगे हैं यहाँ पे हर जगह ही। अमरूद तो मजे देने बेशक कच्चे भी ने, मगर है मजे दे, मिठे मिठे जे है ने। नहीं जेडे हल्के हल्के कच्चे ने ना वही मजे ने, मैं जो थोड़े है मैं भी मजे जा। कहना माहौल तोड़ा तुम मसाला हो ना फिर सही मजा आया। इंज भी खा पी जाने अ बेदर हम आ गए हैं पराली लेने, ये जाके वहाँ पर इसके यहाँ पर देखना ये पराली की रस्सी रस्सी बन गई। अब रस्सी के ऊपर सारी काली रखी मेरे, फिर इसके ऊपर से बांध देंगे। आई होगा था लोगों की इंज ही पराली मका देनी है। कल नू मैं ना कुन्नू नू ही अग लाइए थोड़ा पांबड़ दे बजे। ने कुछ दिन शिकार च होना ना लोगों की साइड तो चूड़ी जी लैके जा रहे हैं, ऐ जा के रखी दी है थले बछाई दी, फिर उत्ते बही दे। मैं तो आख रहा पांच छे दिन होर शिकार से आ गए ना, लोगों की चूड़ी खत्म हो जानी, अग ला ला के। असी एक कपड़ों की हालत बस आप चेक करें क्या हुई हुई है। पांच बजे आके हम यहाँ पर बैठ गए हैं, रात वो बैठे हुए हैं, रात हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। चालीस मिनट गुजरे हैं और बिल्कुल दिन जिस तरह डूब गया, बिल्कुल अंधेरा हो गया। सिर्फ
ये हवा इतनी फील नहीं हो रही, मगर इतनी ज़्यादा ठंड है ना, हाथ बिल्कुल फ्रीज हो गया है। तो नाक भी कवर कर लिया, अरे दो पीछे राइफल्स लेके बैठे हैं। अभी यहाँ से ऊपर से एक गया था मुर्गाबियों का, आज तो बिल्कुल ही बैड लक थी। हम यहाँ पे काफ़ी देर बैठे रहे हैं, तकरीबन कोई 6:30 तक बैठे हैं, मगर कुछ भी नज़र नहीं आया। तो फिर हमने यहाँ से जाने का ही फैसला किया, बस अब निकलने लगे हैं थोड़ी देर तक। बस अब ये स्पीकर वगैरह उठा रहा है, तो स्पीकर वगैरह उठा के बस निकलते हैं। आपको अब तो सीन खत्म हो गया, रात इतनी हो गई है, देखें लाइट से इतना कम कम नज़र आ रहा है, तो मगर कभी क्या नज़र आएगी। ला ला आगे दे हाथ। और जिस बंदे फायर किया पूछो हां काले दे किया हां वो कौन थे इतनी ठंड दिल कर रहा है बंदा हाथ ही अंदर आके रख दे, इतनी ज्यादा ठंड लग रही है। कार्बो कर ले बच्चों, पता नहीं कार्बो कट कर से है बड़ा ये तो इसी के साथ ही इस इंटरेस्टिंग से ब्लॉग का एंड होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।